हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा। हाउ आर यू ऑल? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग फाइन। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ लेक्चर 19 ऑफ योर एमसीक्यूज ऑन करंट अफेयर्स एंड डेवलपमेंटल इश्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेनी ऑफ यू आर आस्किंग दैट सर, कितना करंट अफेयर्स कवर करोगे, कितने टाइम तक करंट अफेयर्स कवर करोगे। करंट अफेयर्स का देखो बेटा, रिविजन चल रहा है, ठीक है। सो ये तो लास्ट डे तक चलेगा, एंड माई टारगेट अर्लियर वॉज ऑफ 100 वीडियोज़। आपको लग रहा होगा कि सर आप वीडियो तो दो दिन में एक डालते हो, तो 100 वीडियोस कैसे अचीव होगा? तो नाउ आई प्रॉमिस कि आपको 100 नहीं 150 वीडियोस दूंगा, लेकिन ये मिलता रहेगा आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये 5 दिन में मिल जाएगा, 10 दिन में मिल जाएगा, ये अगले 1-1.5 महीना कंटिन्यूसली आपको मिलता रहेगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, ठीक है। सो रिविजन बेसिस के लिए आपके लिए काफ़ी अच्छा पार्ट बन जाता है ये। सो लेक्चर नंबर 19 डिस्कस करते हैं फटाफट से। MCQ कोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल है। All right, you can go to the शिक्षा.com or the link given in the description, ठीक है जी। चलिए, एंड बाकी के सपोर्ट के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर आप हमें मेल कर सकते हो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ट्राई टू डू द क्वेश्चन फर्स्टली बाय योर सेल्फ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला क्वेश्चन है, एक लैंसेट काउंटडाउन करके कुछ न्यूज़ में था। सो पहला तो कहता है स्टेटमेंट कि ये एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है दैट इज़ डेडिकेटेड टू मॉनिटरिंग द इवॉल्विंग हेल्थ प्रोफाइल ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो मेरे को कीवर्ड क्लाइमेट चेंज कुछ पता चला कि क्लाइमेट चेंज से कुछ रिलेटेड है, ठीक है। दूसरा कहता है कि बाइनियली पब्लिश करता है, ये एक कीवर्ड हो जाता है मेरे लिए कि क्या बाइनियली पब्लिश होता है। एंड असेसेस द कमिटमेंट्स ऑफ कंट्रीज मेड अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर जो कंट्रीज ने कमिटमेंट किया उसको ये बेसिकली असेस करता है कि कितना कमिटमेंट अचीव किया कितना नहीं। अपने को बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ऑल राइट, सो A1 ओनली, B2 ओनली, C both 1 and 2, एंड D इज योर नीदर 1 nor 2। तो आंसर क्या होगा? करेक्ट पूछा गया। तो कीवर्ड अगर मेरे को पता है तो ईजिली मैं आंसर कर सकता हूँ। सो द आंसर हेयर विल बी ऑप्शन ए। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि एक तो ये बाइनियल नहीं है। ऑल राइट, सो इसी वजह से दूसरा स्टेटमेंट इसीलिए गलत है। तो बी गया, सी गया, और ए आपका बिल्कुल ठीक है। इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है, बेसिकली क्लाइमेट चेंज की प्रोफाइल को असेस करता है। ऑल राइट, सो द लैंसेट काउंटडाउन ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज इज एन इंटरनेशनल मल्टीडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन डेडिकेटेड टू मॉनिटरिंग द इवॉल्विंग हेल्थ प्रोफाइल ऑफ क्लाइमेट चेंज, पब्लिश्ड एनुअली। क्वेश्चन में क्या गिवन था कि बाय एनुअल पब्लिश होता है, इसीलिए वो जो है आपका स्टेटमेंट वहाँ पर गलत हो गया था, बाय एनुअल वाला। ओके, प्रोवाइड्स इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ डिलीवरी एंड कमिटमेंट्स मेड बाय द गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड अंडर पेरिस एग्रीमेंट। दूसरा पेरिस एग्रीमेंट आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था? क्योटो, पर यहाँ पर क्या है? पेरिस एग्रीमेंट। तो वो स्टेटमेंट में दोनों चीज़ें गलत थी, एक तो आपका बाइनियल वाला भी गलत था और क्योटो वाला भी गलत था, ठीक है। द कंट्री इज कंसिडर्ड इन द मॉडलिंग स्टडी रिप्रेजेंट 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो जो ये स्टडी करती है रिपोर्ट, उसमें 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन और 70% जो कंट्रीज वर्ल्ड एमिशन रिप्रेजेंट करती हैं उनको लिया जाता है। तो वो कौन से देश आ जाते हैं? ब्राज़ील आ जाता है, चाइना आ जाता है, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, UK और US जैसी कंट्रीज़ उसके अंदर आ जाती हैं। रशिया नहीं आता उसके अंदर, क्योंकि कई बार रशिया को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं, इसलिए स्पेसिफिकली मैंने यहाँ पर मेंशन किया है नॉट रशिया। ओके, एंड बेसिकली ये जो स्टडी है इसने हाईलाइट क्या किया है, बेसिकली ये स्टडी हाईलाइट करती है जो बेनिफिट्स होंगे टू द हेल्थ अगर कंट्री जो है वो क्लाइमेट प्लान्स को या जो उनके नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनको अच्छे से परफॉर्म करती है, देन डेफिनेटली द कंट्रीज विल बी एबल टू अचीव द गोल्स सेट अंडर पेरिस एग्रीमेंट, और इसका डेफिनेटिव जो इफेक्ट है वो आपकी हेल्थ के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। फैक्चुअल क्वेश्चन है, नेशनल हेल्थ एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री, ठीक है। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस कभी कभी न्यूज़ के अंदर आ जाती हैं, तो मिनिस्ट्री पूछ लेते हैं, तो थोड़ा सा आइडिया रहेगा, तो आप इसको ईजिली सॉल्व कर दोगे। एंड द आंसर हेयर इज ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, सो न्यूज़ में बेसिकली क्यों था? क्योंकि आपका जो ये नैटमो है इसने 40th इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन इंटरनेशनल कांग्रेस जो है अभी ऑर्गेनाइज किया था। ओके, स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन है, हेडक्वार्टर्स कोलकाता के अंडर है, लार्जेस्ट रिपोजिटरी ऑफ स्पेशियल एंड नॉन स्पेशियल डाटा जो है इसके पास रहता है। एंड बेसिकली इसका काम क्या है? टू इंश्योर प्रेसीजन एंड वैल्यू एडिशन,
सो बेसिकली मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, GIS, GPS, रिमोट सेंसिंग के साथ अपने आप को जोड़ते हुए कैसे कंट्री को बेटर एटलेस एंड थेमेटिक मैपिंग्स जो है वो प्रोवाइड करनी है, उसका काम ये ऑर्गेनाइजेशन देखती है। ठीक है जी। उसके बाद अगर मेन फंक्शंस देखो, कंपाइलेशन ऑफ नेशनल एटलेस इनटू मल्टीपल लैंग्वेजेस, हिंदी इंग्लिश रीजनल लैंग्वेजेस में थीमेटिक मैप्स जो है वो प्रिपेयर करना, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कल्चरल इस सब के ऊपर, एंड प्रिपरेशन ऑफ मैप एंड एटलेसेस फॉर विजुअली इम्पेयर्ड ऑल्सो। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। विद रेफरेंस टू द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो यू कैन ऑल्सो पुट इट इन द सोशल सिक्योरिटी पार्ट ऑफ योर एग्जाम। सो सोशल सिक्योरिटी का एरिया भी यहाँ पर कवर हो जाता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, लेट मी इरेज दिस सो दैट द स्टेटमेंट बिकम्स क्लियर टू यू। ओके, सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग दैट इट एडेड एसिड अटैक विक्टम्स एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज अंडर डिसेबिलिटी विच वर नॉट इंक्लूडेड इन द अर्लियर एक्ट। तो एसिड अटैक विक्टम्स को भी डिसेबिलिटी के अंडर डाल दिया, और इसके अलावा और भी डिसेबिलिटीज ऐड की जो पहले के डिसेबिलिटी एक्ट में नहीं थी। दूसरा, इंक्रीज द क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन। जो लोग डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं उनका रिजर्वेशन का कोटा बढ़ा दिया। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं लिखा कि कोटा इंट्रोड्यूस कर दिया, इसका मतलब इंट्रोड्यूस तो पहले से हुआ हुआ था, कोटा बढ़ाया है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। ऑल राइट, सो ऑप्शन ए सिंग वन ओनली, बी सिंग टू ओनली, सी सिंग बोथ वन एंड टू, एंड डी इज नीदर वन नर टू। कौन सा स्टेटमेंट गलत है? पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एसिड अटैक विक्टिम को डाला गया और मल्टी डिसेबिलिटी भी इंट्रोड्यूस किया गया, तो पहला स्टेटमेंट सही है। आपने से पूछा है नॉट करेक्ट, ठीक है, नॉट करेक्ट में मतलब वन तो नॉट करेक्ट है, तो ए तो मेरा आंसर में आएगा, वन तो मेरा आंसर में आएगा आएगा, तो ये गया और ये भी गया, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नॉट करेक्ट पूछा है ना हमसे। अच्छा देखो, कन्फ्यूजन कैसे हो जाती है कई बार, ये करेक्ट नॉट करेक्ट में मेरे को कई बार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है, आप लोगों का पता नहीं। नॉट करेक्ट पूछा है तो ये वाला तो करेक्ट है, ठीक है, तो मतलब ए नहीं होएगा, ये वाला तो करेक्ट है, नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है, तो ये नहीं होएगा, सी भी नहीं होएगा। दूसरा स्टेटमेंट, क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन भी बढ़ा दिया, तो सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो ये भी नहीं होएगा, तो नीदर वन नर टू इज इनकरेक्ट, आंसर विल बी ऑप्शन डी। ओके, चलो एक्सप्लेनेशन देखो। सो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 बेंचमार्क डिसेबिलिटी को डिफाइन करता है एज हैविंग एटलीस्ट 40% डिसेबिलिटी ऑफ एनी टाइप रिकॉग्नाइज्ड अंडर द एक्ट। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर ये भी पूछा जा सकता है डायरेक्टली आपके पेपर में सोशल सिक्योरिटी का पार्ट बना करके कि राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो 2016 है वो बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए कितना परसेंटेज डिसेबिलिटी जो है वो बोलता है। ठीक है, अब टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज इंक्रीज कर दी गई हैं 2016 के एक्ट में, पहले सिर्फ 7 थी, अब 21 कर दिया गया है। मेंटल इलनेस, ऑटिज्म, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सेरिब्रल पैल्सी, मस्कुलर, ओके, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है पेपर के अंदर। थैलेसीमिया, हेमोफीलिया, सिकल सेल डिजीज, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेफ ब्लाइंडनेस इंपॉर्टेंट है, एसिड अटैक इंपॉर्टेंट है, पार्किंसन डिजीज इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मैंने 4-5 डिजीज सर्कल किए हैं, ये आपको पता होने चाहिए कि ये पहले के एक्ट में नहीं थे लेकिन अभी के एक्ट में इन्होंने डाल दिया। तो पहला स्टेटमेंट इसीलिए अपना करेक्ट है क्योंकि एसिड अटैक वाला भी अब डाला गया है। उसके बाद क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन भी बढ़ा दिया गया है, पहले 3% रिजर्वेशन हुआ करता था गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, अब 4% कर दिया गया है, और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में पहले 3% होता था, अब 5% कर दिया गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। स्क्राइब फैसिलिटी प्रोवाइड करने की बात की भी बात हुई है कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं अदर देन दोज हैविंग बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, तो उनको आप स्क्राइब की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करोगे इफ़ दे आर गोइंग इन टू द एग्जामिनेशन। तो जो वो 7 बंदा जाता है जो लिखने विखने का काम करता है उसको यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। ओके, चलिए, बेसिकली न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ स्क्राइब फैसिलिटी वगैरह के ऊपर बोला था, उतना डिटेल में अपने को जाने की जरूरत नहीं है, अपने लिए न्यूज़ में था और उसका हमने क्वेश्चन जो है वो देख लिया। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट सी वीड। सी वीड अभी न्यूज़ में था, ये न्यूज़ में क्यों था वो भी अभी बताऊंगा। ये क्वेश्चन हमने पीछे भी देखा था, पिछले वाले वीडियो में भी देखा था। बेसिकली क्वेश्चन उस टाइम पर हमने क्या देखा था, मैं देख लूँ पहले कहीं वो वाला स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं है, फिर आपका रिवीजन रह जाता ना। सो टिफेक करके एक ऑर्गेनाइजेशन ने ये मिशन लॉन्च किया था, पिछले वीडियो में हमने देखा भी था। सो सीवीड से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सीवीड्स जो होते हैं ये एक्सेस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, विच रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एल्गल ब्लूम, एल्गल ब्लूम हो जाता है। ठीक है,
गल्फ ऑफ मनार रीजन में मिलते हैं इंडिया के, सीवीड जो है वो ट्रैप कर सकते हैं हैवी मेटल्स को एंड अल्टीमेटली दे हेल्प इन रिमूविंग दीज हैवी मेटल्स फ्रॉम मेराइन इकोसिस्टम। अब आप कहोगे कि सर देखो ये तो सिविल का, ये पेपर का क्वेश्चन है, ईपीएफओ वालों के लिए तो नहीं है। ठीक है, डेफिनेटली ईपीएफओ वाले पेपर में इसके आने के चांसेस कंपैरेटिवली कम है, लेकिन करंट अफेयर इन डेवलपमेंट इशू लिखा है तो बेसिक सा क्वेश्चन बनता है ये, तो इसके बारे में अपन जान लेते हैं एक बार। ठीक है, सो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन डी, आपके चारों स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं। ऑलराइट, सो एक्सेस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ये एक्सेस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने से एल्गल ब्लूम का प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाता है। स्टेटमेंट को ध्यान से समझो, स्टेटमेंट पढ़ने से आपको ऐसा लगेगा कि ये कह रहा है कि सीवीड की वजह से एल्गल ब्लूम होता है, लेकिन स्टेटमेंट को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ये एक्सेस न्यूट्रिएंट्स को कैच कर लेता है जिसकी वजह से एल्गल ब्लूम रुक जाता है। एल्गल ब्लूम जो है आपका ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द रिड्यूसिंग ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, और जो पानी के अंदर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है पॉन्ड्स के अंदर रिवर्स के अंदर, उसको रिड्यूस करता है जिससे आपकी जो फिशेज वगैरह हैं उनका जो है लाइफ जो है वो रिस्क पर आ जाता है। लेकिन इसको अभी डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज ये ईपीएफओ के लिए इतना स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, सो बेसिकली टिफेक जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा था, इन्होंने लॉन्च किया था ये सी वीड मिशन। सो बेसिकली जब एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज एक्वाकल्चर हाउस होल्ड ये सारा वेस्ट ओशंस के अंदर जाता है तो उसकी वजह से एल्गल ब्लूम का प्रॉब्लम हो जाता है, तो सी वीड जो है वो इस एक्सेस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेंगे और एल्गल ब्लूम को रोकने में हेल्प करेंगे। गल्फ ऑफ मनार का जो एरिया है वहाँ पर आपको सेवरल सीवीड स्पीशीज इंडिया के अंदर मिलती हैं और ये हैवी मेटल्स वगैरह को भी फिल्टर करने में जो ओशंस हैं उनको हेल्प करता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, वंस अगेन सोशल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर वन, इट एड्रेसेज द कॉजेज ऑफ क्रॉनिक पॉवर्टी थ्रू अ राइट बेस्ड फ्रेमवर्क। ठीक है, तो पॉवर्टी का तो देखो किसी भी बच्चे को पता है कि रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है तो पॉवर्टी पे तो काम कर ही रहा होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि यार कि ये राइट बेस्ड फ्रेमवर्क है। दूसरा, वेजेस अंडर मनरेगा मस्ट बी पेड अकॉर्डिंग टू द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। अब वेज कोड आ गया है तो क्या अभी भी मिनिमम वेजेस एक्ट के थ्रू ही वेजेस पे करनी है मनरेगा में? थर्ड, एक्ट में लिखा गया है कि जो ग्राम सभा है वो रिकमेंड करेगी कि क्या काम लेना है, क्या काम करवाना है मनरेगा के अंडर। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, पहला, दूसरा और तीसरा, तीसरा या तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। देखो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, राइट बेस्ड फ्रेमवर्क है, इसके अंदर आप एज अ राइट अपना वर्क को आप डिमांड कर सकते हो। ठीक है, और अगर सरकार जो है अप्रोप्रिएट लेवल्स जो है वो आपको टाइम पर वर्क अलॉट नहीं करते हैं विद इन 15 डेज ऑफ यू डिमांडिंग द वर्क, तो उनको आपको पैसे देने पड़ेंगे, जिसको बेरोजगारी भत्ता भी कहते हो या जिसको हम कहते हैं कि बिकॉज दे वर नॉट एबल टू प्रोवाइड यू द जॉब, दे वर नॉट एबल टू प्रोवाइड यू द लेबर, इसलिए आपको कंपेंसेशन वो पे करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि मिनिमम वेजेस एक्ट, आप कुछ बच्चे कहेंगे कि सर वेज कोड आ गया, तो वेज कोड के अंदर एक एक्सेप्शन लिखी है कि वेज कोड के जो प्रोविजंस हैं दे विल नॉट अप्लाई टू मनरेगा। ठीक है, तो मनरेगा का जो पहले सिस्टम चल रहा था वही अभी भी चलेगा, तो मनरेगा का जो सिस्टम वेजेस कोड के हिसाब से चल रहा है, सॉरी वेज एक्ट के हिसाब से चल रहा है, वो वेज एक्ट के हिसाब से ही चलेगा अंटिल एंड अनलेस गवर्नमेंट स्पेसिफाई करे। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कहता है कि एक्ट मैंडेट करता है ग्राम सभा को, तो ग्राम सभा को पावर दी गई है कि मनरेगा के अंडर कुछ, फॉर एग्जांपल अब मेरे को मनरेगा के अंडर एक विलेज के अंदर मेरे को मनरेगा के अंडर काम कराना है, तो मैं ग्राम सभा के पास जाऊंगा और ग्राम सभा मुझे बताएगी कि मनरेगा में मैं क्या काम कराऊँ। फॉर एग्जांपल ग्राम सभा कह देगी कि स्कूल की कंस्ट्रक्शन करवाओ, तो मुझे वो स्कूल की कंस्ट्रक्शन करवानी है। तो तीनों स्टेटमेंट्स आपकी ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है जी, सो बेसिकली न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी है लेबर के ऊपर, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाला सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर मेजर्स फॉर इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स। इसके अंदर उन्होंने थोड़ी इस पर्टिकुलर स्कीम की तारीफ वगैरह की कि कैसे ये स्कीम जो है लाइवलीहुड प्रोवाइड करती है अनस्किल्ड लेबर को। ओके, सो ये स्कीम जो है आपकी बेसिकली वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्क गारंटी प्रोग्राम इसको बोला जाता है दुनिया के अंदर। 2 फरवरी 2006 को इसको लॉन्च किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या है कि कम से कम 100 दिन की गारंटीड एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड की जाए, मैनुअल वर्क जो है वो प्रोवाइड किया जाए, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क को प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, ये बेसिकली एक लीगल राइट प्रोवाइड करता है एक पर्सन को, वो एज अ राइट क्लेम कर सकता है इसके अंदर जॉब। मनरेगा के अंदर आपके एक प्रोविजन और है कि कम से कम एक तिहाई बेनिफिशरीज इसमें औरतें होनी चाहिए। ओके, वेजेस जो हैं वो स्टैट्यूटरी मिनिमम वेजेस के अकॉर्डिंगली पे की जाएंगी जो आपके मिनिमम वेजेस एक्ट में है, एंड बेसिकली
15 दिन के अंदर अंदर डिमांड करने के अंदर आपको काम मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो है वो पे करना पड़ेगा, सरकार आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो है वो पे करेगी। ठीक है, क्लियर है? एनी डाउट टिल हियर? किसी को कोई इशू है तो बताओ। अच्छा ठीक है, ऑल राइट, दिस इज अ रिकॉर्डेड सेशन, आई फॉरगॉट वाइल रिकॉर्डिंग दैट आई एम नॉट लाइव, सॉरी। ओके, एंड आफ्टर दैट डिसेंट्रलाइजेशन वाला जो पॉइंट है वो तो इसके अंदर है ही, क्योंकि ग्राम सभा को जो है अथॉरिटी दी गई है कि अगर किसी भी एक ग्राम पंचायत के एरिया में एटलीस्ट 50% जो काम है वो ग्राम सभा एग्जीक्यूट करेगी अपनी प्लानिंग के साथ। ठीक है जी, चलिए सिक्स क्वेश्चन के ऊपर देखिए। विच विंग ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेज कंडक्ट्स इट्स लार्जेस्ट वॉर गेम इवेंट थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज, जिसको आप ट्रॉपिक्स भी बोलते हो, तो ये ट्रॉपिक्स एक्सरसाइज कौन कंडक्ट करता है? आर्मी, कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स या नेवी? फैक्चुअल और सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है, एंड द आंसर हेयर इज ऑप्शन डी, इंडियन नेवी। सेवन्थ क्वेश्चन देखिए, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसिडर करना है आपको यूएई के होप मिशन से रिलेटेड। सो यूएई इस मिशन के साथ 5वां देश बना जो मार्शियन ऑर्बिट, मार्स के ऑर्बिट में पहुंचा। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो इस मिशन का है वो ये है कि वो ढूंढे कि कोई पास्ट माइक्रोबियल लाइफ है मार्स के ऊपर, सॉयल सैंपल्स को कलेक्ट करे और फ्यूचर ह्यूमन एक्सप्लोरेशन के लिए प्रिपरेशंस करे। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला, दूसरा, दोनों या नीदर वन नर टू? देखो पहला स्टेटमेंट तो फिर भी थोड़ा प्रैक्टिकल लग रहा है कि करेक्ट हो सकता है, दूसरा स्टेटमेंट थोड़ा ज़्यादा हो गया। अब किसी कंट्री के लिए पहला मिशन है और वो सीधा फ्यूचर ह्यूमन एक्सप्लोरेशन और मार्स के सरफेस के ऊपर लैंड करके सॉयल सैंपल और रॉक सैंपल कलेक्ट करने की बात करें तो वो थोड़ा हजम नहीं होता, तो इसलिए मैं, अगर मेरे को नहीं भी आता होता ये क्वेश्चन तो मैं दूसरा स्टेटमेंट को तो खारिज ही कर देता। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर मुझे गेस वर्क भी करना हो तो मैं ए इसका लगा दूंगा। ठीक है, सो वन ओनली विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो यूएई पहला मिशन भेजा था इन्होंने मार्स के ऊपर अपना और वो ऑर्बिट में सक्सेसफुली एंटर हो गया, और इसके साथ यूएई 5वां देश बना यूएस, रशिया, चाइना, ईयू और इंडिया के बाद जो मार्शियन ऑर्बिट में सक्सेसफुली पहुंच पाया। ठीक है, जापान से इस मिशन को लॉन्च किया गया था, एंड बेसिकली इस मिशन का काम क्या है कि ये क्लाइमेट डायनेमिक्स और क्लाइमेटिक इन्फॉर्मेशन जो मार्स के एटमॉस्फेयर की है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। ठीक है जी, चलिए एट्थ क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। विद रेफरेंस टू द कमिटी ऑन वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी कंसिडर द फॉलोइंग सिस्टम्स, कमिटी ऑन वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी। तो सबसे पहला कह रहा है कि द कमिटी रिपोर्ट्स टू द यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को रिपोर्ट करते हैं। दूसरा, इट रिसीव्स फंडिंग ओनली थ्रू द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के थ्रू ही सिर्फ इसको फंडिंग मिलता है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? देखो जिनमें ये ओनली वाला चीज़ आ जाता है ना वो स्टेटमेंट्स बहुत ध्यान से देखने वाले होते हैं कि भाई सिर्फ क्या वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से ही पैसा मिलता होगा, एक कमिटी ऑन वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी को सिर्फ क्या वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से पैसा मिलता होगा, तो हजम नहीं होती बात, है ना? तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, सो द आंसर विल बी ए। ओके, सो कमिटी ऑन वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी बेसिकली एक इंटरनेशनल और इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म है जो साथ में काम करता है फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन फॉर ऑल को प्रमोट करने के लिए। कमिटी यूएनजीए को रिपोर्ट करता है थ्रू द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और वर्ल्ड एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस के थ्रू। एनुअली प्लेनरी सेशन होता है इसका हर साल अक्टूबर में रोम में, और कोर फंडिंग जो है इसकी एफएओ, दैट इज योर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, तीन जगहों से कोर फंडिंग आती है, इसीलिए सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो गलत था। ठीक है, न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि कमिटी ऑन वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी ने एंडोर्स किया है रिसेंटली फर्स्ट एवर वॉलेंट्री गाइडलाइंस ऑन फूड सिस्टम एंड न्यूट्रिशन, जिसको VGFSYNB कहा जाता है बेसिकली। बेसिकली इसका एम क्या है कि ये कंट्रीज़ को सपोर्ट करे कि कैसे वो हंगर को इरेडिकेट कर सकें और माल न्यूट्रिशन से फाइट कर सकें इन ऑल इट्स फॉर्म बाय फॉलोइंग अ फूड सिस्टम अप्रोच, जिसके अंदर प्रॉपर फूड और प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड किए जाएँ। ऑल राइट, सो दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, दीज टू पॉइंट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, नाइन्थ क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्यूबरक्यूलोसिस, वंस अगेन सोशल सिक्योरिटी वाला एस्पेक्ट आ जाता है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान जो है 2017 से 25 का उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिसमें गोल हमने सेट किया है कि टीबी को 2030 तक ख़त्म कर देंगे। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि एक निक्षय पोषण योजना करके है जिसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिसके अंदर 500 रुपये हर महीने प्रोवाइड किया जाता है टीबी पेशेंट्स को,
ताकि वो अपने न्यूट्रिशन वगैरह का ध्यान से रख सकें। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आप लोगों को बताना है, पहला, दूसरा, दोनों या नन ऑफ द अबव। सो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये 2030 नहीं है, ये 2025 है आपका, ठीक है जी। सो 2025 तक टीबी एलिमिनेट करने की बात करता है आपका नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान। और निक्षय पोषण योजना, 500 रुपये दिए जाएंगे हर टीबी पेशेंट को ताकि वो अपना न्यूट्रिशन और प्रॉपर मेडिकेशन करा सके। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस लेक्चर का। विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑर्गेनाइज द इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन। तो ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन किसने ऑर्गेनाइज किया था रिसेंटली? सो दिस वॉज ऑर्गेनाइज बाय योर ऑप्शन डी, नीति आयोग। बेसिकली सर्कुलर इकोनॉमी का क्या मतलब होता है, दैट आपकी इकोनॉमी को आप इस तरह से बनाओ कि आपका जो इकोनॉमी है, इफ़ देर इज वन प्रोडक्ट, फिर अगर उससे वेस्ट जनरेट हो रहा है, देन वेस्ट कैन बी देन रिसाइकल्ड टू मेक अ फिनिश प्रोडक्ट। ओके, सो सर्कुलर इकोनॉमी, ताकि आपका वेस्टेज जो है वो कम हो जाए और एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट में भी आप उसको हेल्प कर सको। ऑलराइट, ओके, सो दिस इज इट गाइज। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दीज 10 क्वेश्चंस, एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आर 190 क्वेश्चंस। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी कंप्लीटिंग आर 200 करंट अफेयर्स क्वेश्चन। ऑलराइट, सो अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं वो भी जरूर देखो करंट अफेयर्स के, बिकॉज दे आर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।